हाय फ्रेंड्स, आई एम शिवा, यू आर वाचिंग इस वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो काफी खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप किस तरह से अपने टिकटॉक अकाउंट को परमानेंटली आप डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों आपने टिकटॉक अकाउंट को सिर्फ अनइंस्टॉल करके अपने मोबाइल से निकल दिए हैं, लेकिन आपका जो अकाउंट है अभी भी बना है, तो आप किस तरह से अपने टिकटॉक अकाउंट को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, आपने वीडियो को तो लाइक करने है तो लाइक कर देना। तो चलिए मेरा मोबाइल की स्क्रीन पे मैं लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने टिकटॉक अकाउंट को हमेशा के लिए परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ मेरा मोबाइल की स्क्रीन पे। आपको सबसे पहले टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको सिंपली सी यहाँ पे आपका प्रोफाइल आइकन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली सी यहाँ पे प्रोफाइल आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो ओपन होके आ जाएगा। आपका कितना फॉलोअर्स है, कितना लाइक्स है, कितने लोगों आपने फॉलो किया है, सब कुछ, कितने वीडियो आपने पोस्ट किया, सब कुछ आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर एक थ्री डॉट दिख रहा है, आपको सिंपली से थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर सबसे ऊपर ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, मैनेज माई अकाउंट। आपको सिंपली से मैनेजमेंट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर, ईमेल जो कुछ आपने यहाँ पे ऐड किया है आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है डिलीट अकाउंट, आपको सिंपली से डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वो सारे यह आ जाएगा जो आपका टिकटॉक में कुछ जो दिया गया है कि आपका डिलीट आईडी अकाउंट करने से आपको क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, सब कुछ दिया गया। यहाँ पे लिखा है कि आपने इस अकाउंट से कुछ भी परचेस किया होगा तो आपका डिलीट अकाउंट डिलीट होने के बाद आपको वो नहीं मिलेगा। आपका आईडी हो सकता है, आपका जितना वीडियो फीडियो सब कुछ जो आपने पोस्ट किया सारे के सारे डिलीट हो जाएगा, और इस अकाउंट को आपको 30 दिन के लिए डीएक्टिव करा जाएगा। उसके बाद ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उसके नीचे आपका जो आईडी का जो यूजर नेम है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको सिंपली से आके पढ़ लेने के बाद आपको यहाँ पर डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये कन्फर्मेशन के लिए पूछेगा, आपको फिर से डिलीट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर से डिलीट के ऊपर क्लिक करने के बाद लॉगिन एक्सपायर आपका जो अकाउंट है वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ पे प्रोफाइल आइकन पर क्लिक कर रहा हूँ, मेरा आईडी जो है वो परमानेंटली डीएक्टिव हो चुका है। थैंक यू। उम्मीद करूंगा छोटे से वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।